साथियों, बस बस खत्म हो रहा है। हमने अपने सुन्नियों को बचाने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया? बोले कम समझे ज्यादा, दूसरे के तकरीर में नारे लगा लीजिएगा, सुभान अल्लाह कह लीजिएगा, बड़ा आसान भी हो गया ना। बता दें एक बार सुभान अल्लाह कौन आ तो जन्नत में दरख्त लग जाते हैं, लगते हैं। तेरी जमीन है जन्नत में, प्लाट तो खरीदा नहीं जन्नत में, और दरख्त हजरत लगवाने चले हैं। ये सारा काम हमारे शोरा हजरत करते हैं, माफी चाहता हूं। जब ये सुभान अल्लाह कहलवाना चाहते हैं तो इसका लालच देते हैं, एक बार कहिए ना कसम खुदा की जन्नत में दरख्त लग जाएंगे। पहले जमीन खरीद दो ताकि तुम्हारी ही जमीन में वो दरख्त लगाया जाए, वरना वो हारून रशीद वाला हाल होगा, ख्वाब में जब देखा जुबैदा का महल जन्नत में, जो 4 दीनार में खरीदा था बहलोल दाना सरकार से, तो रात भर नींद नहीं आई, घुसना चाहा था जन्नत के दरोगा ने कहा चुपचाप चले जाइयो, तुम्हारी बीवी होगी दुनिया में, यहां तो जुबैदा खातून का ये महल है। तो पहले जन्नत में प्लाट खरीद लीजिए जनाब, उसके बाद दरख्त लगाइएगा। साथियों, हम अपने जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते हैं, ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। अभी हम सुना रहे हैं ना आपको, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं, सुनाने वाला चाहिए, लोग सुनते हैं। हर आलिम से, हाफिज से, कारी से, मुफ्ती से, पीर से, फकीर से, मुफ्ती आजम से, खतीब आजम से, मुफक्किर इस्लाम, शेर हिंदुस्तान, शेर राजस्थान, शेर मकराना, शेर बासनी, जैगम अहले सुन्नत, फातह कश्मीर, किल के रजा, नजे बुर्जे खताबत, हर एक को अल्लाह की लाठी का इंतजार करना चाहिए, अगर ढंग से हमने मिल्लत और कौम की कयादत नहीं की है तो। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। साथियों, गुज़िश्ता 50 साल में हम सुन्नियों को मुत्तहिद नहीं कर पाए, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, हम तो देख रहे हैं सुन्नियों में पता नहीं कितने हो गए। फिकही मसाइल के इख्तलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर सुला कुल्ली इस्लाम के दायरे से खारिज। भैया कोई लाहे अमल तो मुरतब कीजिए, कुछ तो गाइडलाइंस होंगी।